अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ। पेड़ काटना बहुत मुश्किल काम है, पूरी बॉडी दर्द कर रही है। आउच! अरे बहुत दर्द हो रहा है कमर में, लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। काम कल करूंगा। एक और पेड़ शिकार बन गया लक्का की कुल्हाड़ी का। अब तो हद ही हो गई, और बर्दाश्त नहीं होता, चलो उसे सबक सिखाए। एक उड़न तश्तरी को जंगलों के ऊपर ऊपर देखा गया है। लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे इतनी रात को कौन फोन करेगा। हेलो लखा, तुम्हारे महीने का कोटा 3 दिन पहले ही पूरा हो गया। माफ करना, मैं जल्दी भेजने वाला था। क्या जल्दी काफी नहीं है, मुझे अभी चाहिए। ये तुम्हारा हमेशा का रोना है लखा। मुझे सालों पहले तुम्हें बस एक बार अमीर हो जाओ, फिर ये घटिया नौकरी छोड़ूंगा। सबसे खराब पेड़ काटने वाले मजदूर हो जिससे मैंने काम लिया। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो बेवकूफ? इनाम और एक और बात, पिछले साल से कई गुना बेहतर है। तब मैंने तुमसे झूठ कहा था। किसी भी हालत में इस उड़न तश्तरी के पास जाने की कोशिश ना करें। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और बिजली का नुकसान भी। अरे ये क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये यूएफओ की तरफ से तो नहीं? मुझे छुप जाना चाहिए। बढ़िया भाई, मुझे नहीं लगता था कि तुम उसे एक मुक्के में तोड़ दोगे। मैं पूरे हफ्ते से इस कराटे के दाव की प्रैक्टिस कर रहा था। चलो चले। हे वो मेरा डायलॉग है। अरे कहाँ गया वो, कहाँ गया? मिल जा। अरे कहाँ है वो? मिल गया। बस यही चीज तो मुझे अमीर बनाएगी। मुझे कल रात को यूएफओ के कुछ क्लूज ढूंढने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि वो चीज क्या है। लाखा के सामने यूएफओ का कोई चांस ही नहीं है। उस चीज ने तो मेरे आंगन की वाट लगा दी। अरे वाह, इसकी तो मुझे तस्वीर लेना चाहिए, तो बहुत बढ़िया शॉट है। पंजों के निशान, क्या यही क्लू मुझे चाहिए था? क्या बढ़िया शॉट है। इन पैरों के निशानों को मैंने कहीं देखा? जाने पहचाने। अरे रुको। ये कोई यूएफओ के निशान नहीं है, ये तो वो गंदे भालुओं के निशान है। उन भालुओं की हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? वो पछताने वाले हैं। गंदे भालुओं, बाहर निकलो। कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। सुना तुमने? ओके। UFO, ये बिल्कुल सही मौका है, मुझे कुछ फोटो लेना चाहिए। अभी क्या अभी? मैं सोच रहा हूँ कि रंचो को अपना ये इतना बढ़िया सा गेम कहाँ से मिला। मुझे खेलने दो, मुझे भी खेलना। अभी मेरी बारी थी। इतने मतलबी मत बनो, याद हो मुझे दो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे खेलने दो। बोल रहे हो? आज मेरा लकी दिन है। अगर मैं एक भी पकड़ लू तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। वाह, दो मुझे, मुझे दो भाई। रुक जाओ, देखो तुमने क्या किया। बेवकूफ। मिल गया, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अरे लगी यार। तुम ही मेरी किस्मत बदलने वाले हो।
वाह मजा आ गया। मुझे इस हिस्टोरिक मोमेंट की पिक्चर लेनी चाहिए। यही कहीं होगा। हे, बस करो। गधे की तुम ध्यान से देखो। ठीक है। ए भाई, तुम क्या कर रहे हो? एलियन, तुम आओ क्या? ये तो हमारी डिस्क है। उस पर नजर रखो। अरे एलियन, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है उसे सच में लगता है उड़न तश्तरी है। ला मुझे दो, मेरे पास एक प्लान है। टॉम क्यों? मैं तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हे यू, निकल जाओ मेरी दुनिया से। तब लो फायर बटन दबाओ जल्दी। अरे अरे रुक जाओ, अरे मत करो, दूर हो जाओ, अरे बचाओ। तुम दोनों भागो। तो अभी तक तुम दोनों ने ये सब किया, मोटे गंदे भालो, तुम्हें पछताना होगा। चलो आखिर ये आ गया। शानदार, लेकिन इसे थोड़ा सुधारना होगा। वो शैतान मेरे सपने हमेशा तोड़ देते हैं, इस बार उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। बुरा नहीं है, तुम बेहतर होते जा रहे हो। मैं जानता हूँ। मैं अभी ठीक नहीं हो सकता। हे तुम, पिटने के लिए तैयार हो जाओ। फाइन खून बॉम्ब्स, बच के नहीं जा सकते। भाई कुछ करो। रुको, सब लोग वहाँ एक गुफा है, चलो जल्दी। ठीक है। बाहर निकलने की जगह। तुम्हें क्या लगा तुम कहाँ तक भागोगे? गंदे बालुओं, खेल खलास। ओह, ये क्या? अरे नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे बख्श दो। एक और उड़न तश्तरी गाँव के बीचों बीच देखी गई है। बिल्कुल सही है, मैंने जान जोखिम में डालकर फोटो ली है। ना मैं नहीं। और तुम अदालत के सामने खाने के लिए तैयार? बिल्कुल, मैंने जान का रिस्क लेके फोटो ली है, ये 100% सच है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्या बुद्धू आदमी है, इसे लगता है कि असली फोटो है, उल्लू के तुम पागल आदमी। तो ये एक एडवाइस है, अगली बार जब तुम खिलौने की फोटो लो तो याद रखना कि उसमें से प्राइस टैग निकाल लो। आधे फोटो में प्राइस टैग दिख रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं कल पैदा हुआ? अगर तुमने दोबारा ऐसी जरूरत की तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। सबसे पहले तो फ्लाइंग सॉसर जैसी कोई चीज नहीं होती। ओ, बढ़िया, लेकिन फिर से ना आया।